आपको फर्स्ट टाइम पंजाबी वेडिंग में लेंगे, आप ले नहीं जाते? वही हमारे फैमिली में ऐसे कितने साल बाद है यार। ओके जी बाय बाय। ओके जी बाय बाय। तो भाई रोनी भैया किधर था? कितनों की लव स्टोरी यहां केसरिया तेरा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज जैसा आपको पता है, पिछले कल हम गए थे शादी में, तो यार इतने थक गए थे ना, रात को हम मतलब 2 बज गए थे सोते सोते। तो शादी पहली बार अटेंड करी पंजाबी वेडिंग अंजना ने, उसको तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और वहाँ का वेन्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कुछ बातें जो हमने कहा था कि आपको इस वाले ब्लॉग में बताएंगे कि क्या था, शगुन क्यों मिला, तो आपको सब कुछ पता चलेगा आज के ब्लॉग में। तो अभी मैं जाऊंगा सीवी को घुमाने। करते हैं इसी नोट पे इस ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हेलो सीवी, चले घूमी घूमी, चले बेटी चलो। अब उससे पहले हाई फाई कर दो, आपने बहुत सुस्ती करी, जल्दी से हाई फाई कर दो सीवी। कमॉन 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 कमॉन, जल्दी 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 हाई फाई। गुड बॉय गुड बॉय। सीवी को घुमा लेता हूँ मैं, तब तक अंजना भी नहा के फ्रेश हो जाएगी। आज ना मौसम भी थोड़े बादल आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ सेवी चल रहे चल रहे। आज ना हल्के से बादल आए हैं, शायद बारिश भी हो सकती है रात तक, मेरे को जो समझ आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही पूरा बादल वाला मौसम हो रखा है। और बच्चे भी नहीं आए आज तो खेलने, शायद आज मैं थोड़ा सा जल्दी हूँ। तो सेवू भाई को मैं घुमा के आ गया हूँ। और अब अंजना ने ना मुझे एक दो काम दिए थे कि दाल को गैस में लगा देना, तो वो काम कर लेते हैं और साथ में चाय बना देंगे। फिर मेरे को भी यार फ्रेशन अप होना है, मैं भी नहा लूँगा ना यार, सुबह टाइम ही नहीं मिला नहाने का, तो अभी नहा दो भी लेंगे। बाकी शाम को डिनर के लिए रोनी भैया ने आना है, तो वो शादी में गए हैं, तो आज वो वापस आ जाएगी। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि रोनी भैया यहाँ पे डिनर करने आ जाना। टी चीयर्स, इवनिंग टी चीयर्स। हाय, नहा के अच्छा लग रहा है, मतलब इतना फ्रेश फील होता है नहा के। सही बात है, इसलिए नहा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे धोने को सुबह से, और आज वेनेसडे है, मैं का थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि आज का ही दिन मिला। कल भी हमने, पिछले कल तो इतने थके हुए थे, शादी में गए थे और हम रात को 2-3 बजे सोए हैं। कल दुरु की एडिटिंग थी और फिर ऊपर से आए थे, मतलब सारी थकान ना निकाल दिया पूरी। अब नाउ वी आर फ्रेश, यू आर फ्रेश, मेरे को अब इसके बाद होना है। तो गाइस नहा धो के हो चुका हूँ मैं फ्रेश और मैंने पूजा भी कर ली है, तो भगवान जी का नाम लेके काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। और अंजना कर रही है डिनर की प्रिपरेशन, तो देखते जरा क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? खाना बन रहा है। तो क्या कान में ये हेडफोन्स लगा के? हाँ। ये भी नया स्टाइल सीखा है आजकल। ठंड लग रही थी, फिर से मैं चौपाट से पहन रही थी, मतलब अभी भी मौसम ऐसा ही है कि कपड़े पहने ना पहने, ना पहने। ये देखो पीछे घूर रहा है, क्या हो गया भाई साहब? आज थोड़ा सा सुस्त जैसा है सी भी। इयररिंग्स कहाँ है बाकी? कौन सी इयररिंग्स ढूंढ रही है? अरे मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का सा पहनती हूँ ना कानों में, सिर्फ मतलब कान से हैवी वाले कल निकाल दिए थे ना मैंने। अच्छा सो ना, हाँ? मैंने जो एक कॉर्ड सेट नहीं खरीदा था अपने लिए, हाँ? वो ट्राई करूँ मैं जरा? कर दो जरा, क्योंकि देखो गर्मी आने वाली है, तो मैंने एक मंगवाया तो था, तो लेट्स सी कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैंने कहा गर्मी आ रही है, ठंड लगेगी अभी, बस दिखाया है। कैसा लग रहा है? अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं रिटर्न करता। तो गाइस ध्रुव को, ध्रुव ने इसको गिव अवे करना चाहते है, क्योंकि ध्रुव को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना ये आपके लिए टाइट है यार, थोड़ा टाइट है। और जो पिछले ब्लॉग में हमने बताना था शगुन के बारे में, कि जो शगुन मिला हमें शादी में। अरे एक्चुअली गाइस शादी में गए थे हम, कि शादी में देते हैं शगुन हमें, मेरे को और ध्रुव को उल्टा शगुन मिल रहा था। वो क्यों मिल रहा था उसके बारे में ध्रुव ही बताएंगे, क्योंकि ध्रुव घर के बेटे हैं, मैं बहू हूँ। पहले तो गाइज मैं ये बताऊंगा कि हम जिनकी शादी में गए थे, आप पकड़ लो कैमरा, हाँ जी। तो सबसे पहले गाइज मैं ये बताऊंगा कि जिनकी शादी में हम गए थे वो पापा के ही रिलेटिव्स थे, तो पापा के रिलेटिव्स थे, तो इट मीन्स सारे पापा के जितने भी पापा वाली साइड वाले फैमिली मेम्बर्स थे, तो सारे आए थे। तो फर्स्ट टाइम मिले अंजना से और अंजना को शगुन दिया और मुझे भी दिया इवन तक की, तो इट वॉज अ वेरी नाइस जेस्चर, अच्छा लगा हमें भी। और फर्स्ट टाइम अंजना ने पंजाबी वेडिंग अटेंड करी, तो अंजना का एक्सपीरियंस भी जानते। और जी बाकी इसके बारे में विस्तार में जब पापा आएंगे तब डिस्कस करेंगे।
अन्ना आपको कैसी लगी वेडिंग और पापा के फैमिली मेंबर से मिलके कैसा लगा आपको? पहाड़ों की मैरिज और पंजाबी वेडिंग के बारे में डिफरेंस, तो मुझे ना पंजाबी वेडिंग बहुत अच्छी लगी। हमारे पहाड़ों की तो खैर अच्छी लगती है, जहाँ की आप होते हैं वहाँ का तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे पंजाबी वेडिंग अटेंड की थी तो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, सीरियसली मैं बोलूँ। और मैं फर्स्ट टाइम, मैं ध्रुव तो ऑलरेडी मिले हैं, मैं फर्स्ट टाइम मतलब पापा की साइड की फैमिली से मिली, तो मुझे इतना अच्छा लगा। उनका जो गेस्चर था ना हमारे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे सब। और जाते ही ना मतलब ऐसे जैसे नई बहू को पहली बार देख रहे तो सब शगुन पकड़ा रहे थे, मुझे ही नहीं, ध्रुव को भी। तो हमें ऐसे लग रहा था यार हम पहली बार मिले, और कुछ लोगों से तो ऐसे मतलब जो कि पहली बार मैंने देखे, पहली बार मैं मिली, दे ऑल आर एक्साइटेड टू मीट अस। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सच में मैं बोलूं। एंड वो तो बोल रहे थे दे आर इनवाइटेड अस फॉर डिनर, बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। तो पापा भी आ गए और हम बात ही कर रहे थे इस बारे में। पापा की बड़ी लंबी उम्र है यार, सीरियसली पापा ही है ना। हाँ आपके बारे में बात हो रही थी अभी। क्यों, किस खुशी में? क्या लगा सब्जिया? चलो अच्छा है, बिल्कुल ये मसाला बड़ा पसंद है। मैगी मसाला? हाँ ठीक है, मैगी मसाला ही खाना, बस मैगी मत खाना। गाइस अभी क्या बोल रहा था ये लड़का, दिखा दिखा पहले हाथ दिखा। और ये पता क्या चीज है, ये चीज है, ये इधर 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 मेरी ना एकदम क्रेविंग जागी। आपकी क्यों क्रेविंग जागी? मैगी नहीं खा रहा ना मैं आजकल, हाँ इसलिए मैगी मसाला। देख ले भाई क्या क्या सब्जियां लेके आया। पापा लाए हरा प्याज। हरा प्याज, वाह यही बना कल तू मेरे को, यही खाना है। हरा प्याज खाना? हाँ जी, बढ़िया लग रहा है ये, देखना फ्रेश है एकदम। जो हम लाए थे वो इतना फ्रेश नहीं था उस टाइम। भिंडी भी लाए पापा, भिंडी भी बहुत दिन हो गए खाई नहीं, और भिंडी अभी नहीं। भिंडी भी पापा की फेवरेट सब्जी है। हाँ तो भिंडी बना लूंगी कल, और भिंडी प्याज। प्याज नहीं, चल भिंडी बना दियो कोई नहीं। हरा प्याज तो कम ही बनेगा यार, ये इकट्ठा नहीं बना सकते? नहीं 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 इकट्ठा नहीं बना सकते। अरे ये भी फूलगोभी बहुत हो गई, और शॉर्ट्स भी पड़े थे सबके लिए ना। तो पापा वाली साइड वाली फैमिली मेंबर से हम फर्स्ट टाइम मिले, मतलब अंजना फर्स्ट टाइम मिली, मैं तो मिला ही हूँ। तो बहुत अच्छा गेस्चर था वैसे उनका, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिलके। मैं तो पापा को भी बोल रही थी, और हम फर्स्ट टाइम गए, मतलब पापा हम आपको फर्स्ट टाइम पंजाबी वेडिंग में लेंगे, आप लेने जाते हैं। शादी बहुत साल बाद हुई है, आगे से आगे तो हमें वो एक्सपीरियंस करने को भी मिला, और एक जो फैमिली का बॉन्ड था, प्यार था, वो भी मिला। ऐसा लगा नहीं हमें वैसे कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। क्यों मतलब मुझे नहीं लगा, आप लोग तो पहले, आप तो पहले भी मिले, ग्रुप भी मिले, मतलब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें डिनर पे भी इनवाइट तो किया है, तो आने वाले टाइम में अब चलेंगे और उनको भी बुलाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे। क्यों मतलब टाइम तो मिलेगा, मैं तो ऐसे बोल रही थी कि मतलब वैसे कोई जैसे सेलिब्रेशन है हमारे घर पे, खुशी कम होती तो जाना तो पड़ेगा ना। नहीं जाना तो पड़ेगा, बुलाना भी पड़ेगा ना पापा, जाना तो है ही है ना। अब हम कहीं जा रहे हैं, शगुन पकड़ रहे हैं, तो अरे तो बुलाना। हाँ तो मतलब एक नई शुरुआत हो गई है ये बोल सकते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि मतलब आगे हम गेट टुगेदर करें, मिले उनसे, कुछ आगे जब भी हमारे घर में बड़ा कोई सेलिब्रेशन आएगा तो हम उनको बुलाएंगे, है ना। और एक मिनी गेट टुगेदर कर लेंगे बहुत जल्द। पहले हम एक मिनी गेट टुगेदर करेंगे जिसमें मतलब हम सबको इंट्रोड्यूस भी कर लेंगे, कौन क्या है कैसे है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी साइड की फैमिली मेंबर से मिले हैं, तो इस गेट टुगेदर करके मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस कर लेंगे, किसी और बर्थडे पे कर लेंगे, बर्थडे पे कर। बाकी लेट्स सी क्या बनता है, पहले भी कर सकते हैं। हाँ तो वो छोटा मोटा जिसमें सबसे मिल पाए। पापा वैसे बहुत मस्त है हमारे पापा, को लगता है ये बस खुश रहो जैसे भी रहो, इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मिले नीचे लाइफ में। और कल हम इतने लेट हो गए थे तो पापा का जो था कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ टिका हुआ, वरना मैं जिस टाइम कब कर निकल जाता, क्योंकि डिनर बहुत लेट हो गया था, डिनर भी बहुत लेट हो गया था, बारात लेट चढ़ी थी घोड़ी है ना, जो भी हुआ था तो पापा तो खिसक जाते हैं। यहाँ पे रात तक चलती है, काफी लेट चलती है मेरी चीज ना, बट मैं पूरी रात यार यहाँ पे ना, मैं बाहर वाले तो खा के चले जाएंगे, अब फैमिली के खास बंदे बैठे रहेंगे जब तक फेरे पे। तो आज आप मेरी हेल्प नहीं करोगे खाना बनाने में? हेल्प? हाँ हेल्प आप मेरी कर लो। किस चीज में? आप खाना बना लो, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ ना।
यार व्लॉग भी तो डालना है कल, दिन भर मेरा ऑफिस होता है जो, तो थोड़ा सा आप समझ सकते होंगे। नहीं मैं ऐसे बोल रही हूं, आप साथ में रहते तो अच्छा लगता है। चल कोई नहीं, वीकेंड्स में मैं मजाक कर रही, मैं खाना खुद बना लूंगी, फिर नहीं तो लोग आएंगे कि पूरे दिन तो घर पे ऐसे ही रहती, खाना नहीं बना सकती। गाइस मैं बना सकती हूं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। चल तू अपने, तू अपनी ड्यूटी निभा रही है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। तो लेट्स डू द वर्क लाइक दिस। तो गाइस अंजना ने डिनर बना लिया है, तो मैंने अभी रॉनी भैया को फोन किया था, तो रॉनी भैया बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जस्ट पहुंचे तो चेंज वगैरह करके आएंगे, तो तब तक हम कर लेते हैं यार, हमें तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पापा को बुला लेते हैं और मैं खाना परोस लेता हूं। बस अंजना के थोड़े बर्तन बचे, ये बर्तन धुल जाएंगे तब तक मैं खाना निकाल लेता हूं, ठीक है। तो गाइस डिनर का सेटअप लगा दिया है, तो डिनर करते हैं, भूख लग रही है काफी ज्यादा यार। एक तो हमने आज का लंच नहीं करते ना, तो इसलिए खा लेते हैं पहले। बढ़िया, अंजना ने छोले बनाए हैं आज और दिख भी बहुत टेस्टी रहे हैं, खाने में भी टेस्टी है। हाँ वही ना, हो गए यार, लग रहा है आज तूने बढ़िया ग्रेवी रखी है। खाना खा लिया, बहुत ही बढ़िया दाल बनाई थी अंजना ने आज, तो सीरियसली मजा आ गया। मतलब देखने में तो थी अच्छी, बट खा के एक संतुष्टि जैसी मिली है। अब बस रोनी भैया का वेट है, जब तक रोनी भैया आएंगे तब तक बर्तन वगैरह धुल जाएंगे, फिर जैसे हाँ जी वॉक पे जाना था। हाँ वॉक पे भी जाना है यार, आज हम वॉक पे जाते हैं, वो भी दिखाई देगी क्योंकि उनको भी दिखाते नहीं है ना। हाँ तो हमारा जो एक रूटीन जैसा, हम कौन कौन सा पाथ फॉलो करते तो वो भी दिखा देंगे। बस एक बार रोनी भी आ जाए ताकि फिर हम जल्दी फ्री हो जाए, ठीक है जी। वो भाई इसे तो नींद लगाई है ना, गौंजे पहुंचे ने बर्तन भी धुल चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है, तो सिर्फ किसका, रोनी भी अभी तक पहुंचे नहीं है ना, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखो भैया यहीं पे खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। सेवी बाय। फाइनली भाई गाड़ी पहुंच चुकी है नीचे, अब अंजना को दे देते गुड न्यूज और रोनी भैया को थोड़ा डराते भी है, हम एक प्रैंक करते है, सेवी मरवाएगा ना, प्रैंक नहीं हो पाएगा फिर कामयाब। पापा को बोलना, पापा को क्या बोलना है, मैं और तू करेंगे ना। तो अंजू हम यहाँ पे छुपते हैं, कोई नहीं, सीवी का बीकी तो ठीक है, रोनी का बेल बजाएगी और वो आएगी और उनको पता नहीं चलेगा हम पीछे से एकदम से ना। अभी गाइस क्या किया मैंने, दो लिफ्ट है यहाँ पे, तो दो लिफ्ट में से एक लिफ्ट मैंने ऊपर मंगवा दी, अब वो हमें पता है कि कौन सी लिफ्ट में आएगी, तो प्लान वन तो सक्सेसफुल है, अब देखते हैं प्लान टू में हम उनको ऐसे डरा सकते हैं कि नहीं। तो भाई ऊपर को आ रही है लिफ्ट, तो इसमें 110% अंजू रोनी भी आओगे, बस आने वाले। फाइनली रोनी भी आ गए, हमने कोशिश करी थी प्रैंक करने की पर हो नहीं पाया ढंग से, पर फिर भी इनको पता लगा नहीं एंड तक, ये तो कंफर्म है। नहीं जी आप पीछे मुड़े इसलिए हुआ, वरना क्या पता लगता, हो जाता भाई जी। चलो अब इनको डिनर करवाते हैं। तो गाइस अब भाई हम नीचे थोड़ा सा वॉक करने, तो ये अपना टाइम होता है इवनिंग टाइम आफ्टर फूड, पूरे सोसाइटी का चक्कर काटते हैं, तो 2-3 हज़ार स्टेप्स तो हम कर ही लेते हैं इस टाइम तक। नहीं आपको यहाँ से छोड़ के फिर हम पार्क का चक्कर, हाँ आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ के फिर हम अपना पूरा पार्क का चक्कर कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि भाई देखो ये गोल है जो अचीव करना है हमें, सही रहता है ना, नींद अच्छी आती है, है ना, अच्छा है ना गोल। व्लॉग नहीं आ रहा आपका, क्या सीन है? आएगा 200-300 लोग और सब्सक्राइब कर लो। हाँ 200-300 और कर दो, हाँ तब थोड़ा 11,000 करा दो भाई के, भाई पक्का डालेगा व्लॉग, ठीक है। 10.7 है ना, तो 300 सब्सक्राइबर और आ जाएंगे तो पक्का। ओके जी बाय बाय। ओके जी बाय बाय। तो भाई रोनी भैया के साथ हम ना यहाँ गेट तक आ गए, पहले हम वही घूम रहे थे सोसाइटी के, अरे पूरे चलो मिलते हैं फिर, बाय टेक केयर, गुड नाइट। चला भाई अंजू जी अब यहीं से वापस चलना है। हाँ यार बहुत चक्कर मारे, पहले चक्कर मारे हाँ।
अरे यार ऊपर से पापा को भी नहीं पता होगा ना, पापा सोचते कहाँ चले गए, दरवाजा भी खुला है ना। नहीं, मैंने लॉक लगाया वैसे तो। मैं एक गाड़ी की अपनी राइड दे दूँ। नहीं नहीं अब चलते हैं। तो गाइस वापस आ चुके हैं। हाय यार बढ़िया वॉक करी और मतलब अपने 7000 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हुआ थक गई? टॉनी के साथ हमने काफी वॉक करी पहले ना, फिर अंजू बोलती कि चलो भाई हमें ना गेट तक छोड़ दो थार में, उसके बाद फिर थार की राइड भी हो जाएगी और फिर हम वापस भी आ जाएंगे। सब बढ़िया था। बस गाइस आज का व्लॉग यही था कि मेन तो ये था कि हमें बताना था कि हम जिस शादी में गए थे और हमें किससे शक्ल मिला था। एंड नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी हम उनसे गेट टुगेदर करेंगे, रीयूनियन टाइप है ना। तो फिर मैं सोच रहा हूं अंजू ना व्लॉग भी एंड कर देते हैं अब, है ना। तो गाइस करते हैं इस व्लॉग को एंड। आज तो आपको हमने पूरा रूटीन दिखा दिया अपना एंड तक का। इसके बाद बस अब एडिटिंग करनी है, फिर अपलोड वगैरह करके व्लॉग सब कुछ स्केड्यूल करने के बाद फिर जाके रेस्ट करते हैं हम। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड देखते रहे ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।